आप तो देखिए हम दोनों का ना हरा हरा साड़ी और इनका देखिए आसमानी भाई तो कम पहनती नहीं यही बाहर थोड़ा पहनती खुद तैयार हो जाती है क्या सही तो अच्छा बढ़िया वीडियो में सभी को तो सब मोबाइल को देखते हम जगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज सावन का है आखिरी सोमवार यानी आठवां सोमवार। तो देखो ये मैंने कैसा गेटअप, कैसी साड़ी पहनी। मैंने तो लिया था तो मुझे अच्छी लगी, मुझे सच कहूँ ना मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अब क्या करें, ले लिया तो पहनना पड़ेगा। बेटा नहा लिया, बेटी नहा ली, सब नहा ली, हस्बैंड नहा रहे हैं और मैं जा रही हूँ। ये टावल मैंने कल मार्केट गई थी परसों तो लिया था, भगवान जी के फ़ोटो साफ करने के लिए, मंदिर साफ करने के लिए जा रही हूँ, मंदिर की सफाई करने। अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस साड़ी ही पहना है क्योंकि करूँगी भी नहीं, मंदिर जाना है फटाफट से। पहले यहाँ घर पे पूजा कर लूँ, फिर मंदिर भी कर लूँ। अब जब आऊँगी तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है? तो करवाना है मुझे शिव चर्चा, इसलिए दोपहर में तैयार होंगी। अभी जा रही हूँ फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। हमारा ये रेडी है, जा रही मंदिर क्योंकि इनको ऑफिस जाना है, 8:30 बज गया। ये बोल रहे पहले मंदिर चलो, वहाँ से आना, फिर घर में पूजा करना, इसलिए पहले मंदिर जा रही हूँ, वहाँ से लौटूंगी तो घर पर पूजा करूँगी। पूजा के थाली लेके जा रही देख सकते हो इतनी भीड़ है। चार चार लोग एक साथ करके वहाँ सीरीज में खड़े होके चार चार लोग पूजा कर रहे हैं। उसके बाद चार लोग फिर बाहर निकल रहे, फिर चार लोग अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे करके पूजा की जा रही है, तो इसलिए ढंग से मतलब अच्छी तरीके से वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि ये मेरे पास में ही खड़े थे। जल तो साथ में ही हम चढ़ा दिए, पूजा तो साथ में कर लिए, जल चढ़ा दिए, बस उसके बाद बैठ के मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में पूजा कर रही हूँ क्योंकि भीड़ थी बाहर। तो इतनी भीड़ थी ना कि अंदर अंधेरा लग रहा था, इतनी भीड़ थी, आप लोग समझ सकते हो, इतनी भीड़ थी कि उजाला भी नहीं आ रहा था। फ्रेंड्स, पूजा हमारी हो गई है और यहाँ पे देखिए मंदिर में इतनी भीड़ है ना, लेकिन फिर भी नंबर लग गया। ये पूजा घर जा रहे हैं। हमें लगा नंबर ही नहीं आएगा। मंदिर में इतनी भीड़ थी, मुझे ऐसा लगा कि एक तो आज मैं घर पे शिव चर्चा भी करवाना है और मंदिर में भी आज इतनी भीड़ है। लास्ट सोमवार का मतलब था सावन का, शायद इस वजह से भीड़ थी कि पूजा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कब नंबर आएगा, कितना टाइम लगेगा। लेकिन कहते हैं ना, अगर श्रद्धा से पूजा करो तो नंबर तो आ ही जाता है। भले ही इतनी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी पूजा करके निकल आए। बारी बारी पूजा कर, हम सब लोग जा रहे थे पूजा करने, काउंटिंग में सब कुछ कर रहे थे। ऐसा नहीं कि भीड़ लगी है तो आराम से, मतलब कि भीड़ भाड़ में जाओ, लाइन बाय लाइन करके दो दो तीन तीन लोगों को अंदर बुला रहे थे और पूजा करवा के फिर से निकलते जा रहे थे। तो पूजा जो भी हुआ कर लिया अच्छे से यहाँ भी, तो घर पर पूजा करना मेरा बाकी रह गया था। उसके बाद यहाँ पे घर पर पूजा करने के बाद तुलसी माता को मैं आई हूँ जल चढ़ाने, फिर सूर्य भगवान को जल देने। पहले तो मैं घर पर ही पूजा करने वाली थी, पर हस्बैंड ने कहा पहले चलो मंदिर में पूजा कराते हैं और अच्छा वो मंदिर में ही जाके पूजा करें, क्योंकि वहाँ से घर आने के बाद फिर ये चले गए ऑफिस। मैंने अपना आराम से घर पर पूजा की, पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी है।
मैं आ गई हूँ किचन में, किचन में दूध गर्म करने के लिए और अपने लिए चाय बनाना और बेटी के लिए भी मुझे नाश्ता भी बनाना था। यहाँ पर मैं देखी खाने घूम रही हूँ और चाय पीना के पी लेती हूँ, उसके बाद फिर बेटी का नाश्ता बनाऊँगी। 10:30 बज गया है, उसके लिए अब लंच भी बनाना है। KBS है हाँ, ये रखो ये रखो। और ये क्या है? ये ABS है। दो दो ABS है। बैग पैक करो जल्दी फटाफट फटाफट से बैग पैक करो, डू फास्ट। ये हाँ, ये नहीं होगा। ABS का नोटबुक मांगी है ना? हाँ जल्दी रखो। कंपास ये रहा, ये रहा कंपास। चलो का कागज दे। बाय बेटा, बाय। इधर देख, और घर के सब काम होने के बाद फिर यहाँ पे देखो बेटी को भी मैं नहला दी। और ये ढेर सारे कपड़े थे जो कल के दिन गए थे, तो मैं सब फोल्ड करके रख दी अलमारी में। और यहाँ पे मैं पूजा का आसन भी लगा दी हूँ। आसन तो मतलब यहाँ लगा हुआ था सुबह जब पूजा की थी, पर वहाँ से ऐसे वापस चौक में जाना नहीं चाहिए पूजा का, लेकिन सिर्फ चर्चा करवाना था, पूजा करवाना था। तो यहाँ गर्मी में करवा नहीं सकती थी मंदिर वाले रूम में, इसलिए हॉल में करवा रही। तो ये सारा कुछ है, सींग दाना है, मिश्री है और खाने में कितने में तो 1 मिनट 20 सेकंड। मेरा बड़ा आपका छोटा बताया था वही तो हाँ है ना, इसलिए तो मैं नहीं ली वो ब्लू वाला, नीला वाला। तो चलिए सबके सब लोग आ गए हैं, अब पूजा चलती हूँ करने स्टार्ट। ये प्रसाद भी लाई हूँ। किसका प्रसाद? वही चढ़ाने के लिए चॉकलेट। अच्छा चलो प्रसाद लाई है। पैसा नहीं चढ़ाते हैं? नहीं पैसा नहीं, आप अपनी मर्जी से फल दे सको या फिर ये जो चिंदाना कुछ भी, मैं भी, तो मैं भी कुछ या धूप बत्ती या फिर अगर कुछ भी तो मत जाइए। सब आ गए फ्रेंड्स, अभी देखिए सब लोग आ गए हैं। ये भाभी आई, इनको 1 घंटा हो गया, 2 बजे आई है ये। और जल्दी जल्दी में तैयार थी इसने वीडियो नहीं बनाई, अब वो भी आ गई है। अब चलती है पूजा स्टार्ट करने, करवाने जा रही हूँ शिव चर्चा। आप तो पूजा मेरी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं एकदम से, बस ये जिया की मम्मी है और ये जिया है जो सांस बैठी हुई है मेरे पीछे, और ये है सुनीता भाभी। बस यही 3-4 लोग, मेरी बेटी को मिला के 5 लोग हो गए, 5 होना चाहिए, 5 या 7। तो बस हम लोग मिला के 5 हो गए। पूजा स्टार्ट कर दी है, शिव चर्चा करवा रही हूँ मैं। भोलेनाथ का ही शिव चर्चा है ये, शंकर भगवान का। इस पर भजन गाया जाएगा, उनका पूजा होगा, आरती होगी, उनकी कथा कहानी कहा जाएगा। तो पहले तो जो किताब में लिखा हुआ शिव चर्चा का किताब है वो मैं पूजा कर रही हूँ। और इनका जो भोग लगता है ना, वो सिंह दाना और मिश्री और काजू बादाम, मतलब जो आप आपके मतलब इच्छा के अनुसार है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सिंह दाना और मिश्री, ये दोनों चीज़ उनको लगता है भोग में। बाकी फल वल जो लगता है, एप्पल वगैरह बनाना, वो मैंने चढ़ाया ही है। और मखाना काजू भी मैंने डाल दिया है। तो दोनों भगवान जी को मैंने लगा दिया है भोग, और दिया बत्ती भी कर दिया, धूप बत्ती जला रही हूँ। और अलग से बड़े से थाली में उनका प्रसाद मैं सब इकट्ठा रखती, 1.25 पाव के जैसा प्रसाद चढ़ता है, तो 1.25 पाव मैंने थाली में रख दिया है। और उसको मैं कोरे कागज़ से यहाँ पे मैं सबको दे रही हूँ, फूल दे रही हूँ और अच्छा दे रही हूँ। अभी जैसे कहानी का लेके करना चाहिए, और थाली को मैं कोरे कागज़ से उसको ढक के रख दूँगी। और ऐसा चमत्कारी होता है ना, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब पूरी कथा कहानी पूजा समाप्त हो जाती है
उसके बाद जब वो कागज़ हटाओ तो जो बरसात में जैसे रखे रहती है ना, पूरे अच्छे तरीके से मिला के मैंने रखा था, आप लोगों ने देखा है। फिर अपने आप एक ना एक सेब तो बन ही जाता है, चाहे डमरू बने या ओम बने या फिर जो शिव गुरु का जो प्रकाश जैसा बनता है फोकस जैसा, उस टाइप का कुछ ना कुछ बनता ही है। तो अभी देखो हमारी भजन शुरू हो गई है। तो यहाँ पे सब वो अच्छत और फूल भगवान जी के फ़ोटो पे चढ़ा रही हैं। अब किताब से तो मैंने अभी एक ही भजन किया है, तो अभी इससे मैं कम से कम 7 भजन करूँगी, क्योंकि उतना तो सब लोगों को आता नहीं है। और किताब वाला तो समझो रटा हुआ है, कई बार करवाया है मैंने, तो इस बार तो बहुत दिनों के बाद करवा रही हूँ। तो इसी प्रकार से किताब में, भजन की किताब में जितने सारे भजन हैं जो हम लोग ज़्यादातर जो गाते हैं जो भजन, वही भजन हम लोग गा रहे हैं। मेरी बेटी ने आज मुझे परेशान करके रख दी। ऐसे तो दिन में सोती है, लेकिन जब मैं सुलाती हूँ तब, पर आज उसे बहुत कोशिश की सोने की, सोई नहीं, बार बार रोए जा रही है, मेरे पास आ रही है, उसे मिठाई चाहिए, जो मैंने देखो हाथ दिखा रही है ना, उसे मिठाई चाहिए जो मैंने भोग लगाया है। अभी ना पूजा संपन्न हुए मैं उसे दे नहीं सकती हूँ, उसी उसके लिए ही बहुत रोई, बहुत रोई। तो भजन समाप्त हो गया है, अब यहाँ पे हम लोगों की हो रही है आरती। तो बारी बारी सबको आरती करने के लिए यहाँ पे मैंने दिया है, सब लोग आरती कर ले, भगवान जी का है तो सबको करना चाहिए। और बेटी तो एक नींद मार भी ली थी काफ़ी देर तक, काफ़ी देर नहीं, ज़्यादा देर तो नहीं चला था, पर उतने देर में ही वो आधे घंटे के लिए सो भी गई थी, और अभी उठी है तो अभी आरती हो रही है। आरती के बाद अब उसको सबसे पहले मैं दूंगी प्रसाद खाने को। सोचा भी नहीं था कि मैं शिव चर्चा करवा पाऊँगी, शिव चर्चा का तो छोड़िए मैं कि व्रत भी कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी ख़राब थी, हालत ऐसी थी, मुझे लगा कि मैं कैसे करूँगी व्रत, कैसे करूँगी व्रत, मेरा आखिरी का सोमवार का व्रत मेरा छूट जाएगा और शिव चर्चा भी मैं नहीं करवा पाऊँगी। इसीलिए मैंने कहा मुझे भगवान शक्ति दो तो मैं ज़रूर शिव चर्चा मुझे कराना, मैं कैसे करूँ क्या करूँ। तो भगवान की महिमा है, और कुछ दवा खाने से भी मुझे शनिवार की, मतलब शनिवार दोपहर के बाद से मैं ठीक हो गया, संडे को तो पूरी तरह ठीक हो गई। उसके बाद मैंने कहा चलो मुझे कैपेसिटी है तो मैं करवा ले रही हूँ, व्रत भी कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने कागज़ हटा के देखा तो जिया वीडियो भी ले रही है, तो ओम जैसा बना हुआ था, एकदम ओम जैसा, सच्ची कह रही वो वीडियो ने। जिया के पास से मैंने उसको फ़ोन किया पर उसने फ़ोन उठाया नहीं, इसलिए वो क्लिप लगा नहीं पाई मैं। तो एकदम ओम बना हुआ था, और सारे प्रसाद को मैं क्या करूँगी फिर मिला दूँगी, मिला के फिर एक दूसरे को आंचल में देते हैं, जैसे मैं दूँगी एक भाभी को दूँगी तो वो भी मुझे देंगी, फिर मैं उनको दूँगी, ऐसे अदला बदली करके ऐसे लेते हैं प्रसाद। और जो आंचल में लेते हैं जिसे खोंचा भी बोलते हैं, तो वो प्रसाद हम खुद ही खाते हैं, कुछ लोग तो बच्चों को भी खिला देते हैं, तो वो उन्होंने मुझे दे दिया, अब मैं उनको दे दिया, वो मुझे दी, अब यहाँ पे मैं दे रही हूँ ये भाभी को। अब तो ऐसे करके इसमें ऐसा किया जाता है, इस कथा पूजा भजन में जो भी आप लोग कह लीजिए, बस ये भजन ही है भोलेनाथ का। सावन में उनका थोड़ा हमने नाम ले लिया घर में तो अच्छा हो गया, तो पूजा मेरी संपन्न हो गई।
और भगवान की कृपा से मैंने पूजा कर भी लिया, व्रत भी कर लिया। मुझे जरा भी इतनी कैपेसिटी नहीं हुई कि जैसे कि मुझे कि हाँ भूख लगी है, प्यास लगी है, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे से हो गया। भगवान का श्रद्धा से अगर पूजा करो तो भगवान ज़रूर साथ देते, हेल्प करते। और ये जो मैं साड़ी पहनी हुई ना, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, इसका ब्लाउज ना टेलर ने बिगाड़ के रख दिया है एकदम से। ब्लाउज की लंबाई भी छोटी कर दी, लेंथ भी, और मतलब आगे का जो गला का कटिंग है वो भी ख़राब कर दिया। जिसे मुझे जाके फिर से बनवाना है। और जिया की मम्मी भाई देख रही है साड़ी में कि क्या क्या कैसे है, कहाँ ब्लाउज सिलवाई। तो यही सब हमारे बातें चलती। देखो मैं किचन में चाय बनाने आ गई तो वो लोग भी आ गए यहाँ पे। तो हम लोगों का ऐसा ही है, कहीं भी रहें तो हम लोग बात करने लग जाते हैं। मतलब फ्रेंड है ना, इतने दिनों के बाद मिलते हैं तो हम लोगों का बात भी ख़त्म नहीं होता, जहाँ भी रहते हैं चालू पड़ जाते हैं। तो टाइम से हमारी पूजा सम्पन्न हो गई, तो हम मेरा भी व्रत है और सामने जो भाभी है ग्रीन कलर की साड़ी में उनका भी व्रत है। तो इसलिए साफ सुथरा से चाय बना रही हूँ। ज़्यादा लेडी तो है नहीं, ये भाभी नहीं करती है। आप तो देखिए हम दोनों का ना हरा हरा साड़ी, और इनका देखिए आसमानी आसमानी नहीं है, मेरा भी हरा ही है। ये हरा है? हाँ तो हरा तो नहीं, ये हमारा वाला है, ये आसमानी है। मेरी सास का झगड़ा कर रही है, ये आसमानी है, भाभी आसमानी है, ग्रीन है। तो यहाँ पे देखिए चाय हमारी कंप्लीट हो चुकी है बनके। तो सब लोग यहाँ साथ में बैठ के पी रहे हैं चाय, जिसमें से सिर्फ दो लेडीज़ का व्रत है, मेरा और ये साइड में जो बैठी है भाभी जी एक मम्मी का, और वो सुनीता भाभी जो चेयर पे बैठी है उनका व्रत नहीं, वो नहीं करती, उनका नहीं होता है ये व्रत। तो हम सहेलियाँ अगर बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो हम लोगों की बातें ना सच कह रही हूँ ख़त्म नहीं होती, और ऐसा लगता है कि समय कम पड़ जाता है, हर पल कम पड़ जाता है। और ऐसा होता ही है, लेडीज़ लोग अगर मिल जाते हैं ना तो पुरानी यादें पुरानी बातें खुल जाती है और ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। तो बस यहाँ पे जा रहे मेरे पास तो ये लोग तो अब जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे हम लोग एक दूसरे से। तो गई हूँ मैं लिफ्ट तक छोड़ने, लिफ्ट भी आ गई है। तो चलो फिर आज का व्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से। अभी मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट, पूजा तो कब की हो चुकी थी समाप्त, बट अभी भाभी लोग अभी गई और मैं थक गई हूँ। अब चल रही हूँ, थोड़ा वहाँ सफाई करना है, पानी गिर गया है, और फिर कपड़े चेंज करूँगी। और पीहू ने तो बहुत धमाल मची थक रही है। ये देखो रो रहा है, ये इसको साइकिल ले जाना है। उससे प्यार नहीं करते? हाँ बताओ, कौन माँ अपने बच्चों से प्यार नहीं करता है? कह रहा है मैं प्यार नहीं करता हूँ। नहीं आप नहीं करते हो। अच्छा मैं प्यार नहीं करती, बोलो मैं प्यार नहीं करती हूँ? नहीं करते हो आप। तो आप लोग भी सब लोग एक साथ मिलके बोलिए हर हर महादेव भोलेनाथ, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबको सद्बुद्धि दे। बाय।